सुमित भाई देखो रो रहा भाई। अरे भाई परेशान मत ना हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ले इसको समझाओ भाई, बोल दो कि ये मतलब कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना साथ में, परेशान मत हो, रो मत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अभी देख सकते हैं फिलहाल मैं राजगंज के पास हूँ, राजगंज कॉलेज इधर है और इधर एक बड़ा सा स्टेडियम है जहाँ पर मतलब सब कोई खेलते हैं इधर क्रिकेट वगैरह। तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि अभी मैं जस्ट आया तुरंत, अभी 12 बज रहा है, धूप ही काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हो। सो दोस्तों अभी कुछ पता चला कि एक हमारा दोस्त है जिनको आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, नहीं जानते तो अभी चलिए उनसे मिलवाएंगे। सो यहीं पर वो आके वेट कर रहा है बेचारा, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसके चैनल को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग को शायद मालूम होगा। तो मैं अभी अर्जेंट में आया हूँ भाई, मैं भी कहीं दूसरा जगह जा रहा था, हॉस्पिटल किसी काम से जा रहा था, तो अभी फ़िलहाल मैं लोकेशन में आ गया हूँ। और भाई देखो वहाँ पर बाइक किक लगाए, उधर कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक ऑटो वाला। ये पहली बार मैं इस जगह पर आ रहा हूँ, यहाँ राजगंज के बगल में छोटा सा फील्ड है, यहाँ पर खेल कूद बराबर होते रहता है, क्रिकेट वगैरह चलता है। सो भाई देख सकते हैं यहाँ दो दो हेलमेट है, और भाई की तरह इसको पता करते हैं पहले। तो इन लोग ये हेलमेट वेलमेट यहाँ पर रखा हुआ, बैग वगैरह, ये देख सकते हो जोशी का बाइक है। तो पता नहीं लोग कहाँ चल गया, थोड़ा सा मैं लोग का आवाज़ लगाता। हेलो भाई किधर है, ये साइड में। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे थे उधर, क्या कर रहे हो? अरे रो रहा यार अंदर में। कौन रो रहा है? सर रो रहा है, आ ही नहीं रहा, और सब ठीक है? एकदम बढ़िया भाई। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम उसका चैनल डिलीट हो गया, कुछ मेल आया, अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अरे पूरा इमोशनल है तो रुको हम लेकर। चलो हो जाता है, बड़ा चैनल भी तो है यार। चलो बुला 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 उसको, बुला जल्दी बुला। तो दोस्तों समझ में आ गया अभी मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया, पूरा कि चैनल डिलीट हो गया भाई, इतना धूप में आ गया हमारे पास। ये भाई क्या हो रहा है, हम लोग का साथ टीम भी पूरा बैठ के रो रहा है। क्या हुआ? रो रहा है, उसको कुछ पूछ रहे, बता भी नहीं कर रहा है। क्या हुआ बोलो, क्या बोले? लग रहा है कि 3 साल का मेहनत, मतलब लग रहा है कि जमीन मतलब हट गया पैर से। बोले भाई सो दोस्तों कुछ ऐसा जो मेहनत वो एक बार से चला जाता है, लगता है कि सारा मेहनत बर्बाद हो गया यार। घर में छोड़कर, काम धाम छोड़कर YouTube वीडियोस बनाते थे और अचानक इस तरह से चैनल गायब हो जाना, लगता है भले बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए पर यार इस तरह से चैनल डिलीट होना मतलब एक इंसान समझ रहे हो ना, टूट जाते हैं पूरा। सो दोस्तों अभी मतलब मुझे अलग एक वीडियो बनाना पड़ रहा था, मतलब हमको पड़ता मतलब पहले से वीडियो मेरा रेडी था, एडिटिंग करके डालने वाले थे, बट क्या है कि मौसम भी इतना ख़राब है, देख सकते हो आंधी तूफान पूरा चल रहा है भाई, अभी आज मौसम भी चेंज हो गया और भाई लोग आया है और पता नहीं इसका चैनल का क्या प्रॉब्लम हुआ है वो तो मालूम नहीं, और आंधी तूफान भी अभी आ रहा है, इस बीच में बेचारा ही काफ़ी ज़्यादा परेशान आ रहा है। अभी देख सकते हो भाई 50 किलोमीटर दूर से आया हमसे मिलने के लिए, क्या अब क्या होगा। सो भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्या मेल उल क्या आया? मेल बस थोड़ा सा गलती कर दिया था, इस वीडियो में भी आप लोगों को पता चलेगा, मतलब सीख मिलने को मिलेगा कि भाई ये जो मेरा जो चैनल डिलीट हुआ है जिस प्रकार से आप लोगों का डिलीट ना हो। क्योंकि हुआ था क्या जी कि मतलब गांव में वीडियोस एक बना रहे थे, है ना, वीडियोस बना रहे थे गांव में, नहर मतलब बच्चा लोग पूरा कूद फांद रहा था, तो उसी में एक छोटा बच्चा था, 2-3 साल का बच्चा था, वो नंगा था, मतलब न्यूड था, समझे? तो उसी का वीडियोस में डाल दिया था और 18+ वाला वो मैं ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया था और डायरेक्ट में डाल दिया था। अच्छा अच्छा, 18 साल जो है जाता है, नो किड्स वाला है कि नहीं, है ना, वो चीज ना सेलेक्ट करके मैं डायरेक्ट डाल दिया था, वहाँ से भी डायरेक्ट मेल आया, फिर और गलती का फिर से मैं डाल दिया, मुझे लगा कि गलती से दे दिया होगा और ठीक हो जाएगा, तो फिर से मतलब मेल आया था उसका, आ चुका था ना, जीमेल में आ गया था। सो दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा गलती किया, भाई के पास पहले भी मतलब वार्निंग मेल एक आ चुका था और भाई ने इसको इग्नोर करके फिर से वो वीडियो डाल दिया, ये हुआ ना। अब बताओ इसमें कितना बड़ा गलती तुम कर बैठे भाई, कितना सब्सक्राइबर था? कम से कम भाई अबाउट 70,000 सब्सक्राइबर, मतलब 100 के जल्दी तुम्हारा पूरा हो जाता, सिल्वर प्ले बटन आने वाला था, कुछ ही दिन में सिल्वर प्ले बटन आने वाला था, बहुत ज्यादा ज्यादा यार 2 मिलियन 1 मिलियन और कहां कहां नहीं जाकर पागल जैसा वीडियो बनाते थे एकदम, पर क्या करें अब तो लग रहा है अब। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मतलब पानी तो पानी, जिसको पानी पिला दिया के भाई, कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन मत लो। तो क्या किया जाए टीप के भाई बोलो? बस अभी ऑप्शन आया ईमेल का कि अप्लाई करने का, तो देखते हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगर अप्लाई करने का, किसी टेक सपोर्ट से हम लोग उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते आगे नया प्रोसेस। और मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल अगर चैनल में रिक्स है
अपील करने के बाद कब अगर बाइट भी नहीं आता अभी क्या होता रिजल्ट नहीं पता, बट मैं इनको बोल रहा हूँ सजेस्ट किया एक नया चैनल ओपन करें और उनको सपोर्ट करें और उसमें जानकारी दे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था और प्लीज़ इनको वापस से एक सपोर्ट मिलना चाहिए टीम के तरफ से हम लोग का। सो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हुआ, क्योंकि भाई मेरे भी चैनल में 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, व्यू नहीं आता, लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भाई आपका चैनल में व्यू नहीं आ रहा, आप चैनल छोड़ दो चलाना या तो चैनल को मतलब आप सेल कर दो। तो भाई ये मतलब होता है ना कि भाई आपका एक मेहनत है, चाहे आपका व्यू आए चाहे नहीं आए, तो भाई का मैं समझ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम इसके साथ हो रहा है। मतलब कितनों चालोगे भाई, एक ब्रांड होता है ना कि भाई इसका एक चैनल, एक ब्रांड चैनल था जैसे स्कैम ब्लॉग चैनल, तो बहुत सारे लोग चला सकते हैं, लेकिन एक चैनल साथ जो चैनल साथ शुरुआत किए हो फिर से वो बना है, फिर एक चैनल अगर चलन तो भाई खोलेगा यार, चैनल शायद खोल भी लिए होगा, तो एक चैनल खोलने वाला जो भी चैनल खोलेगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टाइटल में भी दे देंगे। तो दोस्तों आप लोग कुछ ऐसा करना है कि भाई भाई को ज़्यादा अभी सपोर्ट का ज़रूरत है और आप लोग सपोर्ट करो, और आप लोग मतलब ये प्रे करना कि भाई का चैनल जल्दी आ जाए, थोड़ा सा देखते हैं अगर कुछ टेक हम लोग का यूट्यूबर भी आसपास में इधर, तो उन लोग से मिलते हैं, देखते हैं क्या सजेस्ट करता है। ऐसे तो अप्लाई करने का ऑप्शन है, ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन आ गया एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए और रिक्वेस्ट डालने के लिए और जीमेल वीमेल के साथ यूट्यूब का यूआरएल जो हमारा होता है उसे डालने के साथ, देखते हैं कितने दिन में वो चीज़ मिलता है हमको फीडबैक उसका। तो दोस्तों हम लोग लेट नहीं करेंगे, इसका जो भी है फॉर्म फिलअप मतलब कर दे रहे हैं और अभी देखते हैं कोई भाई के पास जाएंगे हम लोग, देखते हैं वहाँ अगर वो मिलते हैं क्या सजेस्ट करता है, अगर लगेगा चैनल हम लोग को वापस आएगा, मुझे लग रहा है कि आ जाना चाहिए क्योंकि ये दो दो बार मतलब एक बार वार्निंग आया बेचारा उसी टाइम इसको समझना चाहिए था, बट ये भाई जोशी का समझाने, और मुझे तो भाई हमको लग रहा है कितना ख़राब कि भाई इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर और कितना मेहनत से ये चैनल को खड़ा किया होगा, भाई मस्ती उस्ती जो भी है कितना सारा मतलब हम लोग को उसमें मेमोरीज है, तो मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है भाई। चलो कोशिश करेंगे हम इसका हेल्प करेंगे फुल सपोर्ट। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल क्या है कि जब तक चैनल नहीं आ जाता है तो भाई एक चैनल जो भी बना रहा है उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, फिलहाल एक चैनल ही क्रिएट ही कर रहा है, तो हम मैंने यही बोल दिया था कि भाई जो हो जाता है उसके पीछे मतलब पागल ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अभी आप लोग को भी मालूम है मेरे लाइफ में किस तरह का क्या क्या चल रहा है, लेकिन मैं कहीं कभी मतलब डरा नहीं और मतलब हमेशा लड़ने का ही सोचता हूँ कि भाई किसी तरह आगे निकलना है। तो कुछ तो बस एक समझ सकते हो भाई, ये बहुत बड़ा हम लोग का झटका लगेगा कि टीम का जोशी के ब्लॉग इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर और भाई इस तरह का हो गया, तो अचानक से मुझे भी ख़राब लग रहा है। तो आप लोग बताना, आप लोग को अगर किसी तरह का कोई भी मतलब इस तरह का लग रहा है कि चैनल वापस आ सकता है नहीं आ सकता है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना और कोशिश करना कि भाई अगर किसी को जानकारी है तो कमेंट्स करके बताना कि क्या होगा, किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है क्या। तो चलो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी इनका जो नया चैनल खुलेगा तो उसका देखते हैं क्या होता है, उसका लिंक भी हम लोग डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या चैनल आएगा, तो उसका भी अपडेट आप लोग को मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय कर दो भाई, बाय बाय।